आज हम लोग बिगिल का पार्ट थ्री करने वाले पार्ट हैं। थ्री तो इससे पहले जो सीन था उसमें एक मास फाइट सीन था। फाइट सीन के बाद उसका जो भाई था या दोस्त था जो भी था उसको मतलब मार दिया मार गया। दिया गया, मतलब गले में ऐसे चाकू घुसे, मतलब मर ही जाएगा मुझे वो जैसा लगता है, पता मुझे नहीं। जो लगता है, लेकिन ठीक अभी है, पता नहीं, शायद उनको अभी लेके जाएंगे, जरूर हॉस्पिटल तो लेके जाएंगे ही, देखते हैं क्या होता है आगे। मतलब बहुत ही अमेजिंग वो सीन था उसके साथ, लास्ट में जाके बहुत ही इमोशनल कर दिया था। तो अभी पता नहीं, वो मैंने तो पहले भी बोला था कि वो एक टर्निंग पॉइंट है एक पूरे मूवी का, तो वहीं से हम लोग का पार्ट थ्री स्टार्ट होता है। देखते हैं वो हमें पार्ट थ्री में क्या देखने को मिलता है। सो गाइस अभी पहले वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। सो गाइस बजा देनी करते हुए। हाँ, उनको लेके आया गया है। पता नहीं, गले पे वार करने से ना ज्यादा इंसान बचते नहीं, बहुत लकीली होगा कि कोई बचेगा, क्योंकि गला बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है, बहुत सामने होता है सब कुछ। तो लाइक माइकल प्लीज सेफ लॉक ओके, बाय फॉर और सेव है। स्पाइनल इंजरी अच्छा தான் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல் துருப்புடி ஸ்பைனல் சுத்தி இருந்து அவர் எந்திரிச்சு நடக்கவே எப்படி ஒரு 1 இயர் ஆயிடுது. ஓ इन लोगों क्या हुआ? नहीं खेल पाएगा ना फिर, कोच नहीं रहेगा तो। तमिलनाडु वुमेन्स फुटबॉल टीम कोच ओके नेशनल सेलेक्शन मैच இருக்கு டாக்டர்ஸ். அது குறஞ்சதே பெரிய விஷயம் வர. நீங்க குழந்தை மாதிரி மேட்ச் இருக்குங்கறீங்க. வி கேன் பி பாசிட்டிவ் பட் பிராக்டிகலா என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. டாக்டர் அடிமே சரி சொல்லா. மைக்கேல் வி ஆர் கிவிங் ஹிம் தி அட்மோஸ்ட் கேர். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ஐசியூ ஷிஃப்ட் பண்ணிடுவோம். நான் காலையில வந்து பார்க்கறேன். ஓகே डॉक्टर तो डॉक्टर की तरफ ठीक है। यार सर नीगा यार नीगा वो राउडी को स्पोर्ट्स मैन को इतना सा संबंध हो हां ये रेगु फोन पर होता தெரிஞ்சது நீங்க பெரிய உங்களுக்கு விட வேண்டியது நீங்க கதை சார் வந்து மாட்டிட்டாரு சந்தோஷமா சார் இப்போ சந்தோஷமா நல்லா ஒரு வசதியா விட்டு போறீங்க சார் எங்க அம்மா நடைய मैंने सब बहुत ही ज्यादा गरीब है, पोर फैमिली से आता है। இந்த போட்டி தன்னர் அவர் மட்டும் இல்ல எங்க எல்லாரோட கடமையும் தயவு செஞ்சு இங்க கிளம்பிடுங்க சார் இல்ல அசிங்கமாயிடும் கிளம்புங்க சப் உங்கோ ப்ளேம் கர்ற पुलिस है क्या? माने फुटबॉल एसोसिएशन। விடையா பாத்துக்கலாம், உசுறு பொடைச்சதே பெரிய விஷயம், இதுல மேட்ச் கீச்சு கிட்டி இது ரொம்ப முக்கியமான மேட்ச், கண்டிப்பா போகணும் சார். போலாம் போலாம், யாரையாவது ஒரு சப்ஸ்டிடியூட்டை தேத்தி அவங்களோட அனுப்பி வைக்கிறேன். நீ முதல்ல உன்னை பத்தி யோசிய, உன் வீட்டுக்கு சொல்லிருக்க நல்ல டீம் சார், கரெக்டான கோத்திருந்தா கண்டிப்பா கப்படிச்சிருவாங்க. புரியுதுயா? உனக்கு ஈக்குவலான ஒருத்தனை நான் எங்கே போய் பிடிக்கிறது? 10 நாளில் என் டீமை புரிஞ்சல்லே ட்ரைனிங் கொடுத்து கப் எடுக்கிற அளவுக்கு ஒரு வித்தக்காரனை எங்கேயா தேடுறது? ஒருத்தர் இருக்கார் சார். யாரு? बिगिल यहाँ से आया है।
अच्छा ओके मतलब माइकल कॉलेज में खेलते थे। अभी पूरा लाइक समझ में आ रहा है लाइक बहुत इमोशनल था यार बहुत। अभी मजा आ रहा है थोड़ा चेहरा हो रहा है थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा जो उन्होंने छोड़ना क्यों छोड़ क्यों दिया खेलना ये तो पता चलेगा। अभी अच्छा लग रहा है कैप्टन है वो टीम का कैप्टन सोचो। अरे हो अरे ये क्या ये बंदा तो उनका गैंग में भी था ना मे भी उसकी वजह से। ओ ओ किसने मारा तुमने देखा? हाँ बोलो तो किसने मारा? अरे वो गैंग मेंबर जो था ना मैं तो वही पहले बोला वो उसका हेयर देख के ऐसे ही लग रहा था मुझे। तो क्या उसका इंटेंशन क्या उसको फिर से गेम में लाने का था? नहीं नहीं वो बंदा थोड़ी था वो बंदा था। हाँ अच्छा उसी के टीम पे था। पूरा कंफ्यूज हो चुके हैं। अरे ओ ओ कौन बोल रहा तमिलनाडु हैट्रिक फॉर बिगिल ये I don't know मैं सही हूँ कि नहीं। अरे बिगल सो गाइस हम लोगों ने इसके बाद का जो सीन है मतलब जो बिगिल है बिगिल एक्चुअली में मे बी माइकल का ही दूसरा नाम है बिगिल और वो ही फुटबॉल खेलते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है गाइस जितना खुल रहा है उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है। अभी इतना तो मतलब हम लोग के सामने आया है कि जो माइकल थे जैसे धनपति विजय सर थे वो एक बहुत ही अच्छे कैप्टन रह चुके फुटबॉल प्लेयर रह चुके और लाइक क्यों उन्होंने खेलना छोड़ दिया है वो गुंडे उनके दोस्त को क्यों मानने आए थे शायद इसीलिए मानने आए थे ताकि वो जाके फिर से खेले
फिर से मैच ज्वाइन करे, कुछ नहीं पता शायद। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। मुझे तो ये बंदा जो था वो बंदा लग रहा था कि वो जो गैंग में था ना अभी थोड़े दिन पहले, वो जो बोट पे थे, हाँ, बिरयानी देने आई थी, हाँ, तो मुझे उस टाइम पे एक है ना वो हेड्स बड़ा, अच्छा अच्छा वो तुम्हें लगा, हाँ, था। अच्छा मैं थोड़ी कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज नहीं होती, मुझे लगा था कि वो मारने आए थे जो बीच पे जो मारे थे वो ये रहे, लेकिन वो क्यों बेकार में उसको क्यों, वो उसका कोई दूसरा रीजन होगा। तो गाइस उसके ये वाला सीन के बाद अभी रियप्पन की एंट्री होने वाले, जिसका हम लोगों ने कर चुके ऑलरेडी, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, देख लीजिए। रियप्पन कौन है? वही माइकल है बिगली क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो रियप्पन का तो थोड़ा मतलब ओल्डर वर्षन दिखाया गया, तो वही बात है। और लेकिन जो माइकल का सीन है वो तो प्रेजेंट में चल रहा है। और कुछ नहीं पता यार, हाँ, क्या हो रहा है। और ये जो बिगल का मतलब जो बिगल का स्टोरी है, फुटबॉल प्लेयर था वो, पास्ट का था, तो हाँ, पास्ट में भी रियप्पन होगा पता नहीं मुझे, क्योंकि हम लोग ने मूवी देखा नहीं है, लेकिन हम लोग जरूर देखेंगे। रियप्पन का सीन हम लोग ने कर लिया है, तो उसके बाद से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं क्या हमें आता है। लेकिन मूवी इज लाइक ना मिस्ट्री, फुल ऑफ मिस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। लेकिन इसमें हमें हंसाते रुलाया था, इसमें रुला मतलब पूरा इमोशनल रुला के हम लोग का एक मास्ट, मतलब फुटबॉल का जो मतलब सीन था मस्त था। तो गाइस ये वाला सीन हम लोग को बहुत अच्छा लगा, इस सीन और भी हम लोग को सर्च करते रहिए। तो गाइस इसके बाद हम लोग फिर से आएंगे नेक्स्ट डे वीडियो लेके। तो गाइस आज के लिए बस इतना रखते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समझो बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन में जाएगा। हां गाइस ढेर सारे कमेंट कीजिए, ढेर सारे शेयर कीजिए, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। दूसरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, वो नीचे ही है, देखो डिस्क्रिप्शन में। एंड हां गाइस, और हमें सजेस्ट करो हम नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में बताएं, या वो वीडियो कैसा है जरूर हमें कमेंट करना। सो गाइस टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।